हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, जैसे कि हमारी करंट अफेयर की डेली बेसिस पे सीरीज चल रही है, डेली डोज के रूप में हम आपको करंट अफेयर कराकर चलते हैं। तो आज की इस वीडियो के जरिए हम 10 और 11 दोनों ही डेट की करंट अफेयर आज आपको कवर कराएंगे, क्योंकि कल हमने आपको करंट अफेयर नहीं प्रोवाइड कराई थी। तो आज ही इसी वीडियो के अंदर आपको मैं कल की और आज की दोनों की करंट अफेयर को कवर करा दूंगा। तो ये जो करंट अफेयर की वीडियो है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम डेली बेसिस पे आपके साथ करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। और ये आप जानते हैं कि आज की डेट में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल हो गया है। आप SSC CGL CHSL CPO SSC MTS SSC GD एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम है, RPF एग्जाम है, ALP का CBT 2 एग्जाम है, ठीक है, या फिर आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, हरियाणा SSC का एग्जाम है, UPSC है, UPPCS है, वीडियो का आने वाला एग्जाम है। तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आपका, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल हो सकते हैं। बैंकिंग में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IUPS PO है, IUPS क्लर्क है, IUPS RRB है, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस करंट अफेयर को करके चल रहे हैं, और मैं यहां पर वन लाइनर के रूप में आपको करंट अफेयर कराकर चल रहा हूं, ठीक है। आपको अगर देखें तो क्विज के रूप में बहुत सारी करंट अफेयर मिल जाएगी, लेकिन वन लाइनर के रूप में करंट अफेयर इतनी इजीली नहीं मिल पाएगी, तो ध्यान रखें। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने हिस्से का लाइक जरूर से करें, और अभी तक हमारी क्लास को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर ले, ताकि आपको सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कि भारतीय सेना और जिस देश के वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास एक्स एवियंद्रा 2018 राजस्थान के जोधपुर में हुआ है, वो कौन कौन से देश के बीच है, वो भारत और रूस के साथ हुआ है, ठीक है। भारत की वायुसेना और रूस की वायुसेना के बीच में एक संयुक्त अभ्यास हो रहा है राजस्थान के जोधपुर में, उसका नाम है एक्स एवियंद्रा 2018। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है आने वाले एग्जाम के लिए, तो इसको अच्छे से ध्यान रखें। भारतीय वायुसेना और रूस की वायुसेना के बीच। नेक्स्ट है कि जिस देश द्वारा हाल ही में फेसबुक पर 10 मिलियन यूरो लगभग 81 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, तो वो है इटली, ठीक है। इटली द्वारा, इटली यूरोपियन कंट्री है, और फेसबुक पर 10 मिलियन यूरो जो कि लगभग 81 करोड़ रुपए बैठता है, इतना जुर्माना लगाया गया है। आगे चलते हैं, आगे है एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया को जितने रनों से हराकर भारत ने इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में किसी टेस्ट सीरीज का शुरुआती मैच जीत लिया। तो भारत ने 31 रन से ऑस्ट्रेलिया को हराया है एडिलेड टेस्ट में, और इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में किसी टेस्ट सीरीज का शुरुआती मैच जीत लिया है, ठीक है। ये अपने आप पे एक रिकॉर्ड वाली बात है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर पहले ही टेस्ट मैच में मात दी है 31 रन से, क्लियर। नेक्स्ट है कि वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री पी विजयन और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने 9 दिसंबर 2018 को कन्नूर में राज्य के चौथे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, तो वो है केरल, ठीक है। केरल राज्य जिसके मुख्यमंत्री है पी विजयन और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है सुरेश प्रभु, और 9 दिसंबर 2018 को उन्होंने कन्नूर में राज्य के चौथे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। आगे है, केंद्र सरकार ने वार्षिक वस्तु एवं सेवा कर जिसे GST बोला जाता है, ठीक है, रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर जितनी तारीख कर दी है, तो इसकी रिटर्न की तारीख हो गई है 31 मार्च 2019, क्लियर, ध्यान रखेंगे। इन्होंने हाल ही में मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब अपने नाम किया, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब किसने जीता, तो वो है वेनेसा पोंस डी लियोन। क्या नाम है इनका? वेनेसा पोंस डी लियोन, मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीतने वाली महिला है वेनेसा पोंस डी लियोन। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेनेसा पोंस डी लियोन जो कि मिस वर्ल्ड 2018 है, वो किस देश की रहने वाली है, तो वो है मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको। अगर उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में नीचे की तरफ जब जाते हैं मैप में देखते हैं तो वहां पर मैक्सिको है, मैक्सिको में मैक्सिको सिटी है, तो वहां की रहने वाली है वेनेसा पोंस डी लियोन। वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसके द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि
सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या वार्षिक 1.35 मिलियन हो गई है। तो किसने कहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या वार्षिक 1.35 मिलियन हो गई है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR द्वारा की गई घोषणा के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचा पुल इस राज्य में बनाया जा रहा है और वो राज्य है मणिपुर। 141 मीटर हाइट पर यह पुल बनाया जा रहा है जो अभी तक का एक रिकॉर्ड है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा की गई घोषणा के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचा पुल कौन से राज्य में बनाया जा रहा है? तो मणिपुर राज्य में बनाया जा रहा है। फिर कि जापान के बाद भारत ने इस देश को हाल ही में वीजा ऑन अराइवल सुविधा देने की घोषणा की है, तो वो है दक्षिण कोरिया। वीजा ऑन अराइवल सुविधा देने की घोषणा किसको की है? दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट है कि भारत का वह एयरपोर्ट जिसने एक दिन में 1007 फ्लाइट्स के अराइवल और डिपार्चर को संभालकर नया रिकॉर्ड बनाया, तो वो है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई वह एयरपोर्ट जिसने एक दिन में 1007 फ्लाइट्स के अराइवल और डिपार्चर को संभालकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो मुंबई का है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अपने आप में एक रिकॉर्ड वाली बात है। चलिए आगे है, इस दिन विश्वभर में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो गाइस यही कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे करंट अफेयर के जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके चले। वीडियो को देखते देखते ही आपको सारे पॉइंट्स याद वैसे भी हो ही जाते होंगे क्योंकि 10-12 पॉइंट होते हैं और इन्हें याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, और ये 12-12, 10-10 पॉइंट जब पूरे मंथ के बनते हैं तो बनते हैं 300 और पूरे साल के बनते हैं तो बन जाते हैं 3,500 से ज़्यादा। तो आप खुद सोच लीजिए कि अगर 3,500 पॉइंट आप ऐसे तैयार कर लेंगे करंट अफेयर के, तो फिर आपके पास क्या बच जाता है? करंट अफेयर यहीं से पूछी जानी है क्योंकि वही 5, 10 सवाल, 15 सवाल पूछे जाते हैं, तो इन्हीं 3,500 प्रश्नों में से ही आपकी करंट अफेयर पूछी जानी तय है। क्लियर? तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके बदले में आप देना चाहते हैं तो एक लाइक दीजिए, उसके बदले में देना चाहते हैं तो इसको शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक आपने हमारी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलें और सबसे पहले मिलें। थैंक यू।